दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। मेरा नाम अजीज अहमद नाम है, मेरी बच्ची का नहीं शादी करके मैं 27 डेज हुआ। वो लगा इसको टॉर्चर कर रहे थे, फोन पे भी बात नहीं करा रहे थे, हरासमेंट कर रहे थे इसको और डिमांड कर रहे थे पैसों का। और कल जो सो ना मेरा बच्चा 26 नवंबर था तो मेरी बच्ची का बर्थडे था, बच्ची फोन नहीं उठा रही, बात नहीं करा रही, बोल के बच्चा कल नमाज के बाद में केक लेके गया इनके घर को, बहन को विश करेंगे बोल के वहाँ गया। तो जो सो ना इसको ना वो बहन के से मिलने नहीं दी, नीचे बैठो बैठो बोल के बिठा दिए। 15-20 मिनट इसको वेट कराया भाई, वेट कराने के बाद में इसके बाद में जो सो ना इसका देवर आके क्या बोल रहा मालूम है बच्ची का, अरे तुम्हारे भाई तुम्हारी बहन जो सो ना ऐसा कर लिए बोल के हमारी बच्चे को बोलते, हमारा बच्चा एकदम बहरान हो गया, परेशान हो गया। इन्हें जो सो ना फिर ऊपर से लाना सास ससुरे और जो सो ना इसका देवर वो सब जने मिलके हमारा बच्ची को जैसा हमारी नीचे ले लेके आए, इन्हें फांसी लगा ली। वैसा रोके कौन भाई वो नीचे? ये लोग रोके, घर वाले रोके, देवर रोका, ससुरा रोका और सास भी, बच्चे को जाने नहीं दिए मेरे ऊपर। रोकने की वजह मालूम आपको? रोकने की वजह ये थे कि क्या बोले, डर था, खौफ था उनका भाई, फिर कहेगी ऊपर से ले लेके आ रहे थे स्टूडियो में। और एक महीने से जो सो ना हमारे को जो सो ना बच्ची से बात नहीं कराते रहे और हमारी बच्ची के सामने ने बोला कहते भाई मेरे को बिजनेस में इम्प्रूवमेंट करना है, शादी में बहुत खर्चा होगा, मेरे को 10 लाख रूपये 5 लाख रूपये तुम्हारे घर वाले 10 लाख रूपये 5 लाख रूपये तुम्हारे घर वालों से मांग के दिलाओ मेरे को बोल के डिमांड कर रहा था। कौन डिमांड कर रहे थे आपको कि आपसे डिमांड करो बोल के? हाँ, बच्ची को प्रेशर डाल रहा था भाई। तो आपकी बच्ची खुश नहीं थी शादी से? वो नहीं थी भाई, नहीं थी। मैं जैसे ना आउट ऑफ था, आने के बाद में बुला के बातचीत करूंगा बोला, कल ऐसा होगा देखो आप। मैं शादी से पहले सो बच्चा था, 27 डेज हुआ खाली अभी, पूरा जो सोना 11 लाख 12 लाख रूपये लगा के शादी करा भाई, तो डिनर के साथ 1000 आदमी। कल ये वाकया एग्जैक्ट टाइम कब हुआ था? ये मेरा बच्चा जो सो ना कल नमाज के बाद में 2 बजे 2:30 बजे वहाँ था। अब इससे पहले कब हुआ हमको आइडिया नहीं है, बच्चा गया तो मालूम पड़ा। सबसे पहले कौन गए थे भाई वहाँ? मेरा बेटा गया था भाई। भाई आपका नाम? भाई मेरा नाम कलीम है, मैं शाफिया फातिमा का भाई हूँ। भाई कल बर्थडे था बोल के गया था सरप्राइज देने के लिए, लेकिन पहले विश करे तो जवाब भी नहीं आया मेरे को SMS में, हैप्पी बर्थडे शाफिया हुआ तो SMS का जवाब नहीं आएगा, मैं चले जाएंगे बोल के अचानक गया मैं नमाज पढ़ लेके, पौने 3-3 बजे रहता था वहाँ गए तक। अब उनकी सास ऊपर सास बोली बिठा दी, दरवाजा खोल के बिठा दिए मेरे को, आ रहे तुम्हारे बहन आ रहे, बैठो 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 बोली 10-15 मिनट वहाँ बिठा दिए मेरे को, वेस्ट कर दिया 10-15 मिनट मेरे। फिर ना अचानक गए तो उनके उनका जो देवर है नीचे तो उतर के मेरे को रोक लिया, मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ तो भी, अरे कांदा रे बोल के ऐसा हो गया भाई तुम्हारी बहन के साथ ले लिया। तो मैं बोला क्या हुआ भाई, ऐसा कैसा क्या हुआ? तो बोल के हाथों में लेके आ रहे तो देखा मैं उनके ससुरे साहब बस। क्या टाइम पे हुआ भाई ये? भाई ये 3:45 बज रहे थे वहाँ पर, बस 3:10 बज रहे थे। इससे पहले कब हुआ? नहीं कब हुआ ना मालूम, इससे पहले रुका दिया वहाँ पर रुका ही दिए मेरे को। मारने की वजह आपको कुछ मालूम? मेरे को कुछ भी नहीं मालूम भाई, मैं खाली लेके आ रहे थे देखा बस। तो आप हुकूमत से क्या चाह रहे हैं भाई? मैं इंसाफ सुना, इंसाफ होना हमारे हुकूमत से, KCR साहब से सजा होना हमारे KCR साहब से। रेन बाजार PS में कुछ एक्शन लिए बोलते क्या आपको? ECB साहब तो कमिटमेंट करे हमारे को, हम जो सोना आपके साथ में इंसाफ करेंगे बोले कमिटमेंट करे नो। अब हम जो सोना इंतजार देख रहे हैं पुलिस हमारे साथ क्या इंसाफ करती है, क्या इंसाफ में रिजल्ट देता हूँ बोलके बोले। हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल CBSE प्लस एक्सीड सिलेबस विच इज फॉलोड इन 8 countries, मॉडर्न प्लस इस्लामिक एजुकेशन, 5-step activity based and playway method. Launching separate branches for girls at Mogalpura and Khilwat. No heavy bags. Locker for every student. Personality development through life skills. Physical fitness and sports. Transport facility available. Hyderabad International School. Branches at Mogalpura, Khilwat and Chadarghat.